स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम स्टार्ट करना उसका पहला लेक्चर है। तो इस चैप्टर का नेम क्या है, यहाँ पे हम देखते थे, यहाँ पे इसका नेम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी। एलिमेंट्स को एक पीरियड में, एक सीक्वेंस में कैसे अरेंज किया गया, उनका क्या सीक्वेंस है, किस बेस पे अरेंज किया गया, एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया, एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया, किस बेस पे अरेंज किया गया, और उनकी पीरियडिसिटी क्या है। पीरियडिसिटी होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ मैच करती हैं और कब कब जो रिपीट होती हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ रिपीट होती हैं। ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, तो साथ साथ ही साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास केमिस्ट थे उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज करना भी स्टार्ट किया, ताकि हम इनको स्टडी कर सकें, इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को इजीली स्टडी कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को अरेंज करना भी स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को अरेंज करते गए, जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए एलिमेंट्स को अरेंज करते गए, और लास्ट जो हमारे पास पीरियडिक टेबल अब है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और ये पीरियडिक टेबल क्या करता है, ये पीरियडिक टेबल हमारी हेल्प करता है टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जितने भी इसमें हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक बकायदा सीक्वेंस के साथ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है और एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। और उसके बाद इन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करने में भी ये पीरियडिक टेबल हमारी हेल्प करता है। तो हम पीरियडिक टेबल अगर डेफिनेशन करें पीरियडिक टेबल की, तो हम क्या कहेंगे, पीरियडिक टेबल इज प्रॉपर, पीरियडिक टेबल प्रोवाइड्स अस ए स्पेसिफिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। उनके कंपाउंड्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए पीरियडिक टेबल हमें हमारी हेल्प करता है। ठीक हो गया। अब लेकिन पीरियडिक टेबल, ये तो हमारे पास लास्ट पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, लेकिन इससे शुरू में जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, तो उस वक्त डिफरेंट जो केमिस्ट थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए इस फील्ड में। कौन कौन से हमारे पास जो इस वक्त केमिस्ट थे, तो हम जानते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री, पीरियडिक टेबल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, पीरियडिक टेबल क्या चीज है और हमें वो कैसे हेल्प करता है टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। हिस्ट्री में हमारे पास डिफरेंट केमिस्ट आते गए, उन्होंने अपने अपने कंट्रीब्यूशन इन एलिमेंट्स को अरेंज किया अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट जो आता था वो उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन करके मजीद एलिमेंट्स को प्रॉपर वे में उसको उनका अरेंज कर देता है। ठीक है, इनमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है अलराजी। अलराजी एक केमिस्ट था, इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को, अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, ये एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और उनकी कुछ जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होती थी, सेम होती थी, उनको सेम मतलब इकट्ठा रख दिया। इस तरह उसने क्या किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। सेकंड जो था हमारे पास वो आता है डुब्रिनर। सेकंड जो है हमारे पास वो है डुब्रिनर। डुब्रिनर ने क्या किया, कंसेप्ट दिया ट्राइड्स का। ट्राइड्स क्या है, इसने क्या किया एलिमेंट्स को अरेंज किया, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ईच ग्रुप कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स, और इसलिए हम उस ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्राइड्स। ट्राइड्स मीन ट्राई मीन थ्री। इसने क्या किया एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, हर ग्रुप में से थ्री थ्री एलिमेंट्स रखे और उनको नाम दिया ट्राइड्स। ही गिव द कंसेप्ट ऑफ ट्राइड्स In other words, we can say that he arranged elements in groups, which is called triads. Groups में arrange किया जिनको हम triads कहते हैं, और क्योंकि हर एक group three elements रखता था इसलिए उनको triads का नाम दिया। ठीक हो गया।
अब इसकी प्रॉपर्टीज में क्या थी, खासियत क्या थी कि इन एलिमेंट्स को इसने ऐसे अरेंज क्यों किया? इसने क्या देखा कि जैसे ही हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो ईच ग्रुप कंटेन्स दी एलिमेंट्स, ईच ग्रुप कंटेन थ्री एलिमेंट्स, क्योंकि हर एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट्स थे। तो उसने क्या देखा कि अगर हम तीन एलिमेंट्स को अरेंज करें, फर्स्ट किया हमारे पास ये एलिमेंट एक ए है और ये हमारे पास बी है, फिर हमारे पास सी है, ये एक ग्रुप आ गया हमारे पास इसमें इसमें तीन एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ठीक है। अब उसने क्या देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ए और सी, अगर इनके हम एटॉमिक मासेस को हम ऐड करें और टू पे डिवाइड करें, मतलब इनका एवरेज लें, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज लें, तो सेंटर वाला जो हमारे पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बन जाता है। फर्स्ट किया इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में से एग्जाम्पल लें तो हम लेते हैं लिथियम, उसके बाद हमारे पास सोडियम और पोटाशियम। अब ये एक ट्राइएड है, मतलब तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है, ठीक हो गया। अब ये तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है, इसमें इन इसका और इसका, इन दोनों का एटॉमिक मास अगर हम ऐड करें, टू पे डिवाइड करें, तो हमारे पास जो है सोडियम का एटॉमिक मास निकल आएगा। जैसे इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 7 + 39/2 = 46/2 = 23, और सोडियम होता है 23, ठीक हो गया। तो ये था कंसेप्ट ट्राइएड्स का। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो उसमें अगर हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करें, तो उसमें हमारे पास कैल्शियम और बेरियम की अगर हम ऐड करेंगे एटॉमिक मासेस और टू पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास निकल आएगा, ठीक हो गया। तो ये था ट्राइएड का कंसेप्ट। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, ईच ग्रुप कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स एंड दिस ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइएड्स, उनका ट्राइएड्स का नाम दिया, और उसने देखा कि इस ग्रुप्स में जो तीन एलिमेंट्स हैं, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है, इसमें अगर हम दो एलिमेंट्स जो दोनों कॉर्नर पे हैं, उनको उनके एटॉमिक मासेस को हम ऐड करें, टू पे डिवाइड करें, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स इज द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास बनेगा अगर हम दोनों के एटॉमिक मासेस का एवरेज लें। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे कर ली है, ये अगर हम लिथियम है 7 + 39 और ये हमारे पास 46/2 = 23 जो कि हमारे पास सोडियम है, ठीक हो गया। उसके बाद ये तो सेकंड था, उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास न्यूलैंड। न्यूलैंड इसने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ही अरेंज एलिमेंट्स, अरेंज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के बेस पर अरेंज किया, और सीक्वेंस कौन सा रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेस पर इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और जब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसने देखा कि अगर हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग इन ऑर्डर टू देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अगर हम अरेंज करें, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, आफ्टर एवरी, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट्स, हर 8वें एलिमेंट के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो रिपीट होती थी। इसलिए उसने क्या किया, एलिमेंट्स को इसकी बेस पे अरेंज किया और ये देखा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती थी हर 8वें एलिमेंट के बाद, इसलिए इसको इस कंसेप्ट को जो इस सारे कंसेप्ट को नेम दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टावेज का नाम भी दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टावेज, ठीक हो गया। इसको हम लॉ ऑफ ऑक्टावेज भी कहते हैं क्योंकि हर एलिमेंट 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट के साथ मैच करती थी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट वन, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट के साथ मैच करती थी, तो इसको हम कहते थे लॉ ऑफ ऑक्टावेज, ठीक हो गया। तो ये था न्यूलैंड की कंट्रीब्यूशन, उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक फोर्थ आता है, वो है मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या किया, इसी ने भी वही कंसेप्ट यूज किया जो न्यूलैंड का था, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया
on the basis of their atomic masses, ascending order of their atomic masses. Yeah, in other words, we can say that increasing order of their atomic masses. Increasing order of their atomic masses की base पे उसने arrange किया और इसने उनको groups में divide किया. Groups इसने eight groups में आए. कितने groups में आए? Eight groups में आए. ठीक हो गया. और groups का concept दिया इस तरह. उसके बाद इसने कहा कि हमारे पास जो है vertical columns जो हैं vertical columns in a periodic table are called groups. Vertical columns in periodic table are called groups. और हमारे पास periodic table में total eight groups हैं जो कि उसने हमें बताए थे. ठीक हो गया. eight groups में इसको उनको divide किया elements को. vertical columns in periodic table are called groups. eight groups में. और उसके बाद period का concept दिया कि periodic table में horizontal rows are called periods. in periodic table horizontal rows are called periods. तो उसने groups में. और उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास जो horizontal rows हैं पहले लिखने हैं ग्रुप की वर्टिकल कॉलम्स क्या है ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज क्या है हमारे पास पीरियड्स. ठीक हो गया. वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स. ठीक हो गया. अब उसने क्या किया एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस जैसे न्यूलैंड ने किया था एटॉमिक मासेस की बेस पे. ठीक हो गया. अब इसने भी क्या देखा कि एलिमेंट्स की जब इसने इनको अरेंज किया आठ ग्रुप्स में अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को और उसके बाद इसने देखा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो थी वो स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट हो रही थी. स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट हो रही थी. इसको हम उसने नाम दिया पीरियडिक लॉ का. इसको नाम दिया पीरियडिक लॉ का कि उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इंटरवल के साथ रिपीट हो रही थी. इसको उसने नाम दिया पीरियडिक लॉ का. उसके बाद इसने क्या किया इसने कुछ एलिमेंट्स में गैप छोड़े और पीरियडिक टेबल में सॉरी कुछ गैप छोड़ दिए जो उसने अपना एलिमेंट्स को अरेंज किया 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया. एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद इसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स की जगह छोड़ दी और उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करके उनकी जगह छोड़ दी कि यहाँ पे ये एलिमेंट्स आ सकता है इसकी प्रॉपर्टीज ये हो सकती हैं. प्रिडिक्ट करके वो वहां पे गैप छोड़ दिया. ठीक है. और जो इसने गैप छोड़ा था ही लेफ्ट गैप्स ही लेफ्ट सम गैप. इसने कुछ गैप छोड़े थे. अब जो इसने गैप छोड़े थे उसमें बाद में जब क्या हुआ कि एक एलिमेंट जो था वो जर्मेनियम जब डिस्कवर हुआ बाद में जर्मेनियम जब डिस्कवर हुआ तो उन्होंने देखा कि जहां पे मेंडलीव्स ने जर्मेनियम की जगह छोड़ी थी उसी जगह पे यही एलिमेंट फिट हो रहा था. मतलब उसने इस एलिमेंट को उसको यह नहीं पता था कि बहुत जर्मेनियम है लेकिन उसने प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया किसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ये हो सकती है तो यहाँ पे ये एलिमेंट आएगा. या बाद में जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ इसको डिस्कवर किया गया तो बाद में देखा गया कि एलिमेंट उसी जगह पे आ रहा था ये जर्मेनियम जहाँ पे उसने मेंडलीव्स की जगह छोड़ी थी. ठीक हो गया. तो ये ब्रीफ सा इसकी हिस्ट्री थी कि पीरियडिक टेबल को अरेंज करने में किन किन केमिस्ट ने कंट्रीब्यूशन की कौन कौन से काम किए उन्होंने और एलिमेंट्स को कैसे कैसे अरेंज किया. ठीक हो गया. ओवरव्यू दोबारा कर लेते हैं इसका. सबसे पहले था अल-राज़ी. अल-राज़ी ने क्या किया एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उसके बाद डुडिनर आया. डुडिनर ने क्या किया ट्राइएड्स का कांसेप्ट दिया कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया. ईच ग्रुप कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स. ठीक हो गया. और उसने देखा कि इन तीनों एलिमेंट्स में जो हमारे पास कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं उनके एवरेज अगर ले हम एटॉमिक मासेस का सेंटर वाले का एटॉमिक मास बनता है. ठीक है. मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई दिया वाली लिथियम और पोटेशियम का अगर हम एवरेज लें तो हमारे पास 23 आता है जो कि हमारे पास 14 का एवरेज एटॉमिक मास बनता है. ठीक है. इस तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लें कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के. कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा. लास्ट पे आता है न्यूलैंड. थर्ड जो है न्यूलैंड. इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया लेकिन पहले जो एलिमेंट्स थे उन पहले तो जो केमिस्ट थे उनसे डिफरेंट कंसेप्ट के साथ इसने एटॉमिक मासेस का कंसेप्ट देके एटॉमिक मासेस के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया. ठीक हो गया. और फिर देखा कि एलिमेंट्स की अभी एट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तो रिपीट हो रही थी तो उसने उसका लॉ ऑफ ऑक्टावेज का नेम दिया. एंड पे आता है मेंडलीव्स ने क्या किया एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस के बेस पे ही अरेंज किया
लेकिन उसने भी देखा कि हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज जो आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल रिपीट हो रही हैं, उसने इसको क्रेडिट लॉक नाम दे दिया। और इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन 8 ग्रुप्स में, जो कि अभी तक भी हमारे पास 8 ग्रुप्स ही हैं। ठीक है, जो हमारे पास फाइनल प्रेडिक्ट टेबल है वो मेंडलीफ के प्रेडिक्ट टेबल में ही कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई है, तो हमारे पास फाइनल प्रेडिक्ट टेबल बना है। इसमें क्या किया, 8 ग्रुप्स बनाए एलिमेंट्स को, 8 ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स जो थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स, उनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया। उन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम पीरियड्स कहेंगे। उसके बाद जो है थिरिस ने एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर थे, सबको अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद थिरिस ने कुछ एलिमेंट्स की जगह छोड़ दी, वहां पे गैप छोड़ दिया, और प्रिडिक्ट कर दिया कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स आएगा इसकी प्रॉपर्टीज ये हो सकती है। तो बाद में जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही थी जो उसने प्रिडिक्ट की थी, और जहाँ पे इसकी जगह छोड़ी थी ये वहीं पे जाके फिट हुआ। ठीक हो गया।